बेबी जी, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। वो औरत एक नंबर की पाखंडी है। ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके हाथ की सफाई दिखा के लोगों को फंसाती है, और ये सब अंधश्रद्धा है। मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। बस एक लफ्ज और नहीं, और ये किताबों वाली भाषा है ना, मुझे माचेगा, अपने पास रख दो। स्टार भारत के सीरियल अजूनी में आ गया है अंधश्रद्धा वाला ट्विस्ट, जहां पर बेबे अजूनी पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन अजूनी बेबे की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राजवीर अजूनी की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। तुम मेरे साथ चल और उस तांत्रिका से माफी मांग। चल। मैं माफी नहीं मांगूंगी। कैसे नहीं मांगेगी, चल मेरे साथ। बेबी जी, बेबी जी छोड़िए, चल। बेबी जी छोड़िए। बस बहुत हो गया। राजवीर तू बीच में मत बोल। अरे इसकी वजह से हमारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। क्या खानदान खानदान लगा रखा है? खानदान क्या है? मेरे और मेरे होने वाले बच्चे ना, तो उनका क्या होगा, क्या करना है मैं देख लूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। रविंदर मेरी गल मान, सबसे पहले ना इसको घर से बाहर निकाल, फिर देखना सब ठीक ठाक हो जाएगा। पापा जी, क्या आपको भी ये सब अंधविश्वास में भरोसा है? बिल्कुल नहीं। आप ना इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। तांत्रिका की बात ना मानना मतलब अपने हाथों से अपनी जिंदगी खुद खराब करना है। किसी की जिंदगी खराब नहीं होने वाली है। तो वही दूसरी तरफ राजवीर और उसके परिवार वालों को मिलती है धमकी, और नारियल के भेस में घर में आ गया है बॉम्ब। और कोई जादू टोना नहीं है, सिर्फ हाथ की सफाई है वो। तेनू कैसे पता? क्योंकि मैंने उसके चेले को अपने घर में ताका झाकी करते हुए देखा, और जब मैं वहां पहुंचा तुरंत भाग गया, ये नारियल रखने आया था। अजीब पाजी, आप इसको घर के अंदर क्यों ले आए? पता नहीं कौन सा मंत्र फूके मारा होगा इस पे। मैं इसको फूक के तेरी खोपड़ी से ना तोड़ दूं। आ बड़ा नॉर्मल सा नारियल है, देख और काय का फूक मारेगा ये देखो। तांत्रिक के श्राप का प्रकोप शुरू हो गया है, अब तुम लोगों की खैर नहीं। अब अजूनी और राजवीर इन सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। खाने का खून बन जाएगा और अन्न मिट्टी में मिल जाएगा। अब इस घर में मौत का तांडव होगा।